तेले झोले पापड़ा, ये बंगाली फिश का एक बहुत ही शानदार रेसिपी है। पापड़ा फिश से बनता है। अब देखिए, देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो टेस्टी कैसा होगा। सो टेस्टी बॉन्ग फूड्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पापड़ा रेसिपी, पापड़ा मसाला। बंगाली में इसको कहते हैं तेले झोले पापड़ा। इसके लिए आपको चाहिए पापड़ा फिश तो चाहिए, और मस्टर्ड चाहिए, ब्लैक वाइट। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि मच्छी के साथ हल्दी और नमक, और साथ में थोड़ा सा हम देंगे मस्टर्ड ऑयल। ये सब तीनों चीज देने के बाद मस्टर्ड ऑयल क्या करता है, उसको मिलाने में बहुत आसान रहता है, और हल्दी और नमक के साथ मच्छी का जो स्मेल चला जाता है, और इसके अंदर वो मसाले जब अंदर चले जाएंगे तो इसका टेस्ट हो जाता है लाजवाब। तो अभी हमको, हमने दे दिया तेल, हल्दी, नमक, अभी हम इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे। अब मतलब इसके चारों तरफ से इसको अप्लाई करेंगे, लेप लगा देंगे। जब ये पूरा लग जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे आधा एक घंटा। अब पैन पे थोड़ा गर्म पानी कर लेंगे। गर्म पानी इसलिए कि सरसों का जो दाना है वो जल्दी से थोड़ा फूल जाता है, सफ़ेद सरसों, काला सरसों। साथ में देंगे हम थोड़ा सा नमक, इसमें नमक स्वाद अनुसार। तो अभी हमने इसको मिला दिया, और इसमें हमने दे दिए दो ग्रीन चिली और थोड़ा सा नमक। नमक अब इसमें मिला देंगे। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। अच्छा, जब तक वो ग्राइंड कर लिए, अभी हम एक पैन में दो टेबलस्पून सरसों का, सरसों का तेल वो अपने हिसाब से दीजिए, मैंने दो टेबलस्पून दिया। और उसमें हम पापड़ा फिश फ्राई करने के लिए दे देंगे। पापड़ा बहुत ही नरम फिश होता है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करिए। हाँ, एक बात, जो तेल के साथ अगर थोड़ा सा नमक आप पहले से मिला देंगे तो क्या है ना, जो फिश है वो नीचे लगेगा नहीं। अभी देखिए, हमने इसमें तेल मिलाया था तो फिश धीरे धीरे सरक रहा है ना इधर उधर, तो फिश नीचे लगता नहीं है। अब जब ये फिश फ्राई हो जाएगा, अभी हमने 3 नंबर्स ऑफ पापड़ा लिया था, 3 लिए थे, तीनों को तो फ्राई करना पड़ेगा। अब फ्राई करने के हो जाने के बाद, फ्राई करते हुए इसके थोड़ा बहुत टूट जाते हैं, लेकिन सावधानी से करिएगा तो ये टूटेगा नहीं। ये देखिए, बहुत प्यार से इसको अगर करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन हमारा टूट गया। अच्छा, अब ये पापड़ा फिश हमारा फ्राई हो गया। अभी उसी पैन पे जो ऑयल था उसी में हम थोड़े कलौंजी दे दिए, थोड़ा सा दो मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसको थोड़ा थोड़ा रसा बनाना है धीरे धीरे, थोड़ा बॉयल होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते रहना है और इसको बनाते रहना है। थोड़े पानी मिला दिए, थोड़ा इसको मिलाते रहिए, ये धीरे धीरे बनता है। तो कुकिंग, जैसे हम बताते हैं कि कुकिंग बड़े प्यार से करना पड़ता है, ये एक आर्ट है। जितने प्यार से बनाएंगे उतना टेस्टी बनेगा। अब इसको थोड़ा और थोड़ा पानी मिला देंगे। मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहिए, एडिक्वेट जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अरे कम से कम मच्छी तो उसमें डूब के रहना चाहिए ना, जब मच्छी उसमें पकेंगे उतना पानी तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा, अभी इसको लीड लगा के थोड़ा बॉयल होने के, जब ये फूटने लगे, हो गए काफ़ी देर तक, इसमें मसाले का स्मेल जो है वो निकल गया, अब इसमें मिला देंगे फ्राई किया हुआ फिश। ये देखिए, हमारे फिश के सर तो टूट गए, मैं पलटने गया और टूट गए, ठीक है। जो कि आप प्यार से करिएगा, आपके हाथ में शायद ना टूटे। अब फिश को इसके अंदर दे के अब इसको थोड़ा देर तक बॉयल करना है, ऑन ऑफ, जैसे ढकना है फिर निकालना है फिर ढकना है फिर थोड़ा सा हिला देना है, तो इस हिसाब से चलता रहेगा। अब देखिए, थोड़ा सा बॉयल हो रहा है, 2-2 मिनट के अंदर में ये देखते रहना है। अब इसमें मिलाना है जो मस्टर्ड का पेस्ट हमने बनाया था, ब्लैक मस्टर्ड, व्हाइट मस्टर्ड, और साथ में हमने दिया था ग्रीन चिली। अब उस पेस्ट को इसके साथ धीरे धीरे करके मिला लीजिए, थोड़ा प्यार से करिएगा, नहीं तो मच्छी एकदम टूट जाएंगे। और पापड़ा फिश टूट जाने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सजावट के लिए बड़ा अच्छा लगता है जब आप सर्व करते हैं ना। तो देखिए, ये जैसे बॉयल होने लगे, अब लगभग ये फिश तैयार है। पापड़ा फिश का टेस्ट बहुत अलग होता है, बंगाल का एक अलग तरह का फिश होता है। अब इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल, ये कच्चा वाला सरसों का तेल इसमें अलग सा टेस्ट देता है। सरसों का जो झांझ होता है ना, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा बन गया है तेले झोले पापड़ा, या पापड़ा मसाला, टेस्टी पापड़ा फिश जो ये है ये तैयार हो गया खाने के लिए। अब इसको आप खा सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा हॉट स्टीम राइस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।